हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहल स्नेहिरा। और इस चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ DIY वीडियोस, होम डेकोर वीडियोस एंड शॉपिंग हॉल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक शॉपिंग हॉल प्लस उसके साथ होम डेकोर। तो दिसंबर आ चुका है और हम हमारा जो लिविंग रूम है उसे क्रिसमस के लिए एकदम रेडी कर देंगे। तो देखिए, पूरा रूम जो है मैंने अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे रख दिया है। ये सब मैंने एक दिन पहले ही किया था और आज जो है हम इसका मेकओवर करने वाले हैं। देखो, पूरा रूम अच्छे से हमने यहाँ पे क्लीन करके रख दिया। कर्टन्स जो थे पुराने वाले उनको भी निकाल लिया है। और यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है ये मैंने मीशो से परचेस किया है। सारे प्रोडक्ट्स जो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ, सारे प्रोडक्ट्स मैंने मीशो से परचेस किए हैं। ये हमारे कर्टन्स है जो विंडो के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हो। इसका जो साइज़ है 5 फीट वाला है और इसका जो मटेरियल है वो वेलवेट वाला मटेरियल है। देखो कुछ इस तरीके से ये 7 फीट वाले कर्टन्स भी आपको इसमें सेम इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 5 फीट वाले कर्टन्स और 9 फीट वाले कर्टन्स इस तरीके से मैंने 3 सेट्स में यहाँ पे परचेस किया है। रेड कलर नहीं है टूटा, थोड़ा मरून कलर में आपको अवेलेबल हो जाएगी। मटेरियल की बात करें तो इसका जो मटेरियल है वो वेलवेट वाला मटेरियल और काफ़ी अच्छा मटेरियल है। कर्टन्स भी काफ़ी अच्छे और काफ़ी अच्छे से आपको रिसीव हो जाएंगे मीशो। सारे प्रोडक्ट्स के कोड्स और लिंक्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। देखो, ये जो है 9 फीट वाले कर्टन है जो कुछ लगाने के बाद इस तरीके से लगने वाले हैं। इसमें आपको 5 फीट वाले कर्टन्स भी मिल जाएंगे, 9 फीट वाले भी मिल जाएंगे, 7 फीट और 6 फीट। इस तरीके से आपको सारे साइजेस में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सारे कर्टन्स जो है मैंने अलग अलग डीलर से परचेस किए हैं। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स और कोड्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट ओपन कर रही हूँ ये विंडो वाले कर्टन्स है जो कि 5 फीट के हैं। इनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सारे कर्टन्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और कलर्स भी मुझे सेम मिल गए। मैंने प्राइस देख के यहाँ पे ऑर्डर किया था और इनको यूज़ करते हुए मुझे लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। इनको मैंने वॉश भी किया है, मशीन वॉश, कुछ भी नहीं हुआ, काफ़ी अच्छे से ये अभी भी चल रहे हैं। इस तरीके से आपको ये सारे कर्टन्स जो है मीशो पे अवेलेबल हो जाएंगे और जो आपके क्रिसमस के थीम के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है, आप इनका यूज़ करके आपका जो है डेकोर अच्छे से कर सकते हो। इसमें आपको काफ़ी सारे कलर्स ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएंगे, आप एक बार मीशो पे चेक ज़रूर कीजिए। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पे आपको 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट और 9 फीट में सारे ही साइजेस में यहाँ पे अलग अलग कलर्स जो है मीशो पे अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, प्राइजेस जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाए हो सकता है वो कम ज़्यादा हो जाएंगे, आप एक बार चेक ज़रूर कीजिए क्योंकि मीशो पे जो है प्राइजेस अप डाउन्स होते रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले हम जो है हमारे विंडो वाले कर्टन्स यहाँ पे लगा देंगे और इसके साथ जो मैंने पेयर किया है वो है ऑफ वाइट के कर्टन्स जो कि नेट वाले कर्टन्स है, वो भी मैंने अगेन मीशो से ही परचेस किए। उसका भी कोड और लिंक्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। वो कर्टन्स मैंने काफ़ी साल पहले, मतलब 2 साल तो हो गई है उनको परचेस किए हुए। वो काफ़ी सारे कर्टन्स के साथ जो है मैं मिक्स मैच करती रहती हूँ, वो काफ़ी अच्छे से अभी भी चल रहे हैं। उनको मैंने काफ़ी बार वॉश भी किया है, मशीन वॉश किया है, हैंड वॉश किया है, पर उनको कुछ भी नहीं हुआ है। जब मैंने परचेस किया था 2 साल पहले तो इनका प्राइस काफ़ी कम था, अब इसका प्राइस भी बढ़ चुका है, पर हाँ क्वालिटी काफ़ी अच्छी इस कर्टन की। और इसमें भी आपको जो है काफ़ी सारे साइजेस अवेलेबल हो जाएंगे जैसे कि 5 फीट, 7 फीट, 9 फीट की। यहाँ पे मैंने 2 परचेस किए थे, एक था 5 फीट का और दूसरे जो सेट था वो है 9 फीट का। कुछ इस तरीके से मैंने ये रेड वाले कर्टन्स के साथ पेयर अप किया और काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था और काफ़ी अच्छे से ये निकल के आया था। उसके बाद हमने यहाँ पे जैसे कि विंडो के कर्टन्स चेंज किए सब, वैसे ही मैं यहाँ पे एक डोर वाला कर्टन भी लगा दूंगी। यहाँ पे मैं एक ही कर्टन लगाती हूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने डोर वाला कर्टन भी यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा डोर का कर्टन जो है वो लग गया है। और वहाँ ये होने के बाद हम हमारा जो 9 फीट वाला पोर्शन है जो कि मेरे किचन और लिविंग रूम को डिवाइड करता है, यहाँ पे मैं 9 फीट वाले कर्टन्स को जो है लगा दूंगी। यहाँ पे थोड़ा ना साइज़ इसका बड़ा हो चुका था, पर मैंने इसको बाद में थोड़ा स्टिच करके इसे इसका साइज जो है ठीक कर दिया था। इस तरीके से यहाँ पे मैं 9 फीट वाले कर्टन्स को भी लगा दूंगी कुछ इस तरीके से। और इसके साथ भी मैंने पेयर किया है वाइट वाले कर्टन्स जो नेट के हैं, अगेन वो मैंने मीशो से ही परचेस किए हैं काफ़ी साल पहले, 2 साल तो हो ही चुके हैं। इनको मैंने काफ़ी बार वॉश भी किया है, काफ़ी अच्छे से ये अभी भी चल रहा है, क्वालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी है और इनका जो कलर है वाइट कलर नहीं है, थोड़ा ऑफ वाइट कलर में है। और इसके साथ जो है ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे से निकल के आया था। उसके बाद यहाँ पे हम जो है सोफा का कवर अच्छे से लगा देंगे। इसके बारे में भी मुझे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, ये मैंने
शॉप से परचेस किया था, ये ऑफ वाइट कलर में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुशन कवर जो है मैंने मीशो से परचेस किए थे, जो कि क्रिसमस के थीम को ही ध्यान में रख के मैंने ये परचेस किए थे। इनका मटेरियल जो है जूट वाला मटेरियल है, मटेरियल काफ़ी अच्छा नहीं है, ठीक ठाक मटेरियल है। और इनको भी मैंने वॉश किया है, एक साल हो गया इसको भी, काफ़ी अच्छे से ये भी चल रहा है, पर मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा जूट टाइप ऑफ मटेरियल इसका है, पर अकॉर्डिंग टू ये थीम काफ़ी अच्छे से जा रहा था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है, अगेन वो हमने मीशो से ही परचेस किया है, कुछ इस तरीके से ये कारपेट है। देखो स्क्रीन पे कुछ ऑर्डर करते टाइम ये थोड़ा कलर इसका इतना अच्छा नहीं दिख रहा था, पर ये रिसीव होते टाइम मुझे थोड़ा डार्क कलर में रिसीव हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने टेबल पे कवर रखा है वो भी मैंने मीशो से परचेस किया था, उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो कि राउंड टेबल के लिए आप इसको परचेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है, अगेन वो हमने परचेस किया था मीशो से, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अगर आपको इसको परचेस करना हो तो आप परचेस कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स और कोड्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब देखो पूरा रूम तो अच्छे से डेकोर किया है, कर्टन्स वगैरह चेंज करके, उसके बाद हमने कुशंस कवर को भी चेंज किया। अब हम डेकोर करते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिसमस। देखिए कुछ DIY यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं, इसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो वीडियोस जो है मेरे चेक कर सकते हैं। क्रिसमस DIY काफ़ी अच्छे अच्छे DIY मैंने क्रिसमस के ऊपर बनाया है, आप वो चेक कर सकते हैं। देखो कुछ इस तरीके से सारा जो है हम डेकोर करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारे थीम। हमारा जो थीम है वो है रेड एंड ऑफ वाइट कलर का, उसी में जो है हम पूरा डेकोर करने वाले, और थोड़ा डेकोर भी ऐसे करेंगे जो क्रिसमस के लिए बिल्कुल अच्छा दिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा TV यूनिट है वहाँ पे कुछ छोटे बड़े चेंजेस करेंगे, कुछ हमारे पुराने प्रोडक्ट्स और कुछ नए प्रोडक्ट्स को ऐड करके हम अच्छे से यहाँ पे इसको डेकोर कर देंगे। यहाँ पे एक थोड़ा ग्रीन ग्रास था मेरे पास, उसका जो बचा हुआ शीट था वहाँ पे मैंने इसको एज अ रनर यूज़ किया है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसको ना थोड़ा रेड और ग्रीन कलर में कॉम्बिनेशन भी इतना सुंदर लग रहा था, पूरा होने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल थे, ये प्रोडक्ट्स जो है कुछ प्रोडक्ट्स मैंने इसमें से जो आपके आपको दिख रहा है वो कैंडल होल्डर, ये मैंने होम सेंटर से परचेस किए थे, ये भी मैंने होम सेंटर से परचेस किया है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने स्पेशल एक वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे जो बुद्धास हैं ये मैंने मीशो से परचेस किए हैं, इसका भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। लगभग सारे प्रोडक्ट्स जो है मैंने मीशो से परचेस किए हैं, और सारे प्रोडक्ट्स के कोड्स और लिंक्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद छोटे छोटे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रख के हमने यहाँ पे TV यूनिट हमारा अच्छे से डेकोर कर दिया। अब बारी आई हमारे कॉर्नर को डेकोर करने के लिए, तो यहाँ पे देखो जो ऊपर वाला पोर्शन है सबसे पहले हम उसे डेकोर कर देते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है हम उसे डेकोर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ टी लाइट कैंडल होल्डर्स है, इनको मैंने क्रिसमस के अकॉर्डिंग अच्छे से DIY किया है, इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसे हैंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक केज है, इसमें कुछ ग्रीन कलर्स वगैरह ऐड करके जैसे आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह ऐड करेंगे हम, और इसे भी हम वहाँ पे हैंग कर देंगे ताकि थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगे और लुक भी अच्छा आ जाए। इस तरीके से कुछ हमारे पास आर्टिफिशियल मनी प्लांट्स के इस तरीके से है, इनको हम देखो इसमें डाल के अच्छे से हम डेकोर कर देंगे, और ऊपर से हम इसे एक धागे से नॉट लगा के इसे हम हैंग कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे हैंग कर देंगे ताकि जो स्पेस है हमारा खाली वो भी कवर हो जाए, लुक भी अच्छा आ जाए। और जो हमने यहाँ पे धागा यूज़ किया था वो नहीं दिखना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे मैं एक आर्टिफिशियल मनी प्लांट का जो है प्लांट इस तरीके से इसको लगा दिया, लुक भी अच्छा आ रहा तो दिखने के लिए भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, और जो हमारा मेन पर्पज था वो भी सॉल्व हो गया, जैसे कि हमारा जो यहाँ पे धागा है वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इस तरीके से हमने यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन डेकोर कर दिया। अब बारी है हमारे नीचे वाले पोर्शन को डेकोर करने के लिए, जो स्पेस खाली है उसे भी हमें कवर करना है ताकि हमारा कॉर्नर भी अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पे जो मैंने एक स्टूल यूज़ किया है वो भी मैंने मीशो से परचेस किया था, पर उसको जो है मैंने उसके बाद वाइट कलर से पेंट कर दिया है। उसके बाद सबसे मेन जो होता है क्रिसमस वो होता है क्रिसमस ट्री, ये भी मैंने मीशो से परचेस किया है, कुछ इस तरीके से मुझे रिसीव हुआ था, क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी है। इससे पहले जो मुझे रिसीव हुआ था वो थोड़ा ब्रोकन
रिसीव हुआ था, उसके बाद मैंने उसे एक्सचेंज किया तो उसके बाद मुझे अच्छे से रिसीव हुआ है। इस तरीके से आपको इसके साथ सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जो भी आपको इसके साथ चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके इस तरीके से इसका स्टैंड है, इसे यूज़ करके आप इसको अच्छे से रख सकते हो टेबल के ऊपर, स्टूल के ऊपर। देखो काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा ही है, पर प्लेस के हिसाब से एकदम बराबर है। अगर आपको डेकोर करना है टेबल के ऊपर भी आप इसको रख के अच्छे से डेकोर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टूल के ऊपर इसका यूज़ किया है और इस तरीके से कुछ इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे डेकोर करने वाली हूँ कॉर्नर में। देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ प्रोडक्ट्स जो है मैंने ऑफलाइन परचेज किए थे क्रिसमस ट्री को डेकोर करने के लिए, उनका यूज़ करके यहाँ पे मैं हमारा जो क्रिसमस ट्री है उसको अच्छे से डेकोर कर दूँगी। तो बेस में जो है मैंने थोड़े कुछ स्टोन्स है जो कि मैंने पेंट करके रखे थे उनका यूज़ किया है ताकि वो अच्छे से स्टैंड हो जाए क्रिसमस ट्री हमारा। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किए थे जो ऑफलाइन परचेज़ किए थे, ये आपको मीशो पे भी मिल जाएंगे, पर प्राइस थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा इसलिए मैंने ये ऑफलाइन परचेज़ किए थे। इनका यूज़ करके यहाँ पे मैं अच्छे से मेरा क्रिसमस ट्री जो है अच्छे से डेकोर करूँगी। क्रिसमस ट्री कैसे भी डेकोर करो तो वो सुंदर ही लगने वाला है। जैसे आपको डेकोर करना है वैसे आप क्रिसमस ट्री को डेकोर कर सकते हो, जितना डेकोर करना चाहिए आप उतना ही डेकोर कर सकते हो। क्योंकि हमारा क्रिसमस ट्री काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो मैं इसे बहुत सारा डेकोर नहीं करूँगी, थोड़ा ही डेकोर करूँगी। प्राइजेज जो है मीशो पे कम ज़्यादा होते रहते हैं तो एक बार प्राइस आप चेक ज़रूर कीजिए। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपको मीशो पे प्रोडक्ट अच्छे से रिसीव हो जाएंगे, कभी कभी मुझे भी अच्छे रिसीव नहीं होती है, फिर मैं उसे चेंज कर देती हूँ या एक्सचेंज कर देती हूँ या सीधा रिटर्न ही कर देती हूँ। इस तरीके से हमने यहाँ पे छोटे छोटे प्रोडक्ट का यूज़ करके हमारा क्रिसमस ट्री जो है अच्छे से डेकोर किया है और काफ़ी मज़ा आ रहा था। देखिए ये करने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी रिलैक्सिंग था। मुझे वैसे भी डेकोर करने में काफ़ी अच्छा लगता है, मेरा मूड काफ़ी फ्रेश हो जाता है घर को डेकोर करने से। और ना हमेशा चेंजेस ना घर में करते रहने चाहिए, उससे क्या होता है ना लुक भी चेंज हो जाता है, डस्टिंग भी हो जाती है, क्लीनिंग भी हो जाती है। इस तरीके से हमने जो है हमारा कॉर्नर में क्रिसमस ट्री अच्छे से डेकोर किया है। अब जो भी स्पेस खाली बचती है यहाँ पे अगेन मेरा एक बॉटल का DIY है, उसका यूज़ करके यहाँ पे मैं कुछ फ्लावर्स ऐड कर दूँगी। उसके बाद थोड़ा यहाँ पे सिटिंग का अरेंजमेंट कर देंगे ताकि किसी को बैठना हो तो वो अच्छे से यहाँ पे बैठ सकता है। इस तरीके से हमने छोटे छोटे चेंजेस करके यहाँ पे हमारा जो है कॉर्नर भी डेकोर कर दिया। अब बारी आती है हमारे टी टेबल को डेकोर करने के लिए, इसे तो हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे अगेन मेरा एक DIY है तो इसमें जो भी हमने DIY की है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो मैंने टेबल के ऊपर टेबल रनर यूज़ किया है जो कि राउंड शेप में है, वो भी मैंने मीशो से परचेस किया है। और इस तरीके से छोटे छोटे प्रोडक्ट्स यूज़ करके हम यहाँ पे हमारा जो सेंटर टेबल है इसको भी अच्छे से डेकोर कर देंगे। थोड़ा कैंडल वगैरह यहाँ पे मैंने लगाया है फ्रेग्रेंस वाला ताकि थोड़ा फेस्टिव वाइब भी आना चाहिए और क्रिसमस का लुक भी हमारा यहाँ पे होना चाहिए। इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है, कुछ DIYs यूज़ किए हैं और हमारा जो है सेंटर टेबल हम अच्छे से यहाँ पे डेकोर किया है। आपको जैसे डेकोर करना है वैसे डेकोर कर सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपने घर को जो है अच्छे से डेकोर कर सकते हैं। अब पूरा डेकोर हमारा हो गया, अब हम देखते हैं हमारा फाइनल रिवील। हमारा पूरा डेकोर होने के बाद अब फाइनली हमारा रूम जो है लिविंग रूम किस तरीके से दिख रहा है। आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा डेकोर भी अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते फिर से हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।